पवन सिंह की हनुमान चालीसा को सुनने के बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पवन सिंह को टेक्स्ट मैसेज करके ये कहा है कि भाई तूने तो हमारा दिल जीत लिया। जी हाँ, सोलफुल वॉइस में पवन सिंह की जो ये हनुमान चालीसा है उसे सुनने के बाद कई लोग मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हीं में से उनके बेस्ट फ्रेंड हैं गुरु रंधावा। जी हाँ, गुरु रंधावा जो पवन सिंह के अमूमन हर एक गाने को लाइक करते हैं और उनके हर एक गाने को वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, तो इस बार हनुमान चालीसा के लिए भी गुरु रंधावा काफ़ी बेसब्र थे। जैसे ही हनुमान चालीसा पवन सिंह की रिलीज़ हुई, तुरंत पवन सिंह को उन्होंने मैसेज करके कहा कि इट्स ग्रेट, तुम्हारी आवाज़ को तो मैं कई सालों से पसंद करता आया हूँ, लेकिन आज सुकून मिला। यानी ये सारा कुछ सुनने के बाद गुरु रंधावा को सुकून मिला हनुमान चालीसा सुनने के बाद। उनका ये भी कहना था कि वो पवन सिंह को कई सालों से सुनते आ रहे हैं। एक बार एक इंटरव्यू में गुरु रंधावा से पूछा गया कि आप कौन से गाने को रिक्रिएट करना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा अगर मेरा दोस्त पवन सिंह कहेगा तो मैं उसके गाने लॉलीपॉप लागेलू को रिक्रिएट करना चाहूँगा, क्योंकि जिस अंदाज से पवन ने गाया है उस अंदाज से मैं तो नहीं गा सकता, लेकिन रिक्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और वहीं आपको बता दें कि नेहा कक्कड़ ने भी इस गाने को बहुत पसंद किया है। जी हाँ, नेहा कक्कड़ का ये कहना है कि पवन सिंह की आवाज़ वो हमेशा पसंद करती हैं। तू लगावलू जब लिपस्टिक गाने को मैंने बहुत सुना है और हमेशा उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता। अब जो मैंने हनुमान चालीसा सुनी है तो आपको बता दूं कि उनकी आवाज़ में जादू है। कोई भी उनकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो सकता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उन पर। यानी कि आप देख सकते हैं कि पवन के चाहने वालों में बॉलीवुड के टॉप सिंगर भी हैं। एक तरफ नेहा कक्कड़ हैं तो दूसरी तरफ गुरु रंधावा। जी हाँ, ये दोनों काफ़ी बड़े फैन हैं पवन सिंह के। यकीन है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।